पीस एंथम, इसके बेसिक थीम ये है कि सोसाइटी के अंदर यूथ वो अब लेक्चर्स की तरफ, दर्स की तरफ, इस तरफ बहुत कम आती है कि उन्हें बहुत डिटेल कन्वर्सेशन, फिलोसफिकल डिबेट्स की जाए और उनको बताया जाए कि पीस बिल्डिंग क्यों ज़रूरी है। लेकिन उसकी निस्बत वो म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा हैं, वो इंटरटेनमेंट की तरफ ज़्यादा हैं। तो उस प्रस्पेक्टिव को लेते हुए एक तो हमने इस तरफ आए कि हम पीस बिल्डिंग ही की थॉट को हम एक नए शेप के अंदर लेकर आए एक एंथम की सूरत में। और सुनाए हसन भाई, कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का, बिल्कुल। आप बताएं, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। यार असल में हम कुछ दोस्त मिलकर एक सोशल एक्शन प्रोजेक्ट कर रहे हैं पीस एंथम के नाम से, कि जिसके अंदर हम मुख्तलिफ रिलीजन्स के वेन्यूज़ पे जाके उसको शूट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम उसकी ऑडियो करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर हम पीस प्रमोशन को करें एहतराम इंसानियत के मौजू पर और इस तरह से। तो उस हवाले से हमें स्टूडियो चाहिए था। बताएं आप अपना प्लान रेडी करें, इंशाल्लाह उस पर वर्किंग करते हैं। कलाम तो रेडी है, जिसकी कंपोजिशन भी बन गई है, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ और आप अपने म्यूजिशियन से डिस्कस कर लें उसको। और उसके बाद यह है कि तकरीबन 6 मिनट का वो है और हमारे शाहिद भाई जो हैं, शाहिद अली शाहिद, वही उसको अच्छा पढ़ेंगे। सबसे पहले लिरिक्स हमने लिखवाए एक शायर से, जो कि दो टॉपिक्स को, दो पिलर्स थे उसके अंदर, एहतराम इंसानियत और ज़रूरत अमन, इस दो को लेकर उसने लिरिक्स लिखे। हम उसे कंपोजिशन पर लेकर गए, हमने सिंगर्स से कंसल्ट किया। नेक्स्ट स्टेप ये था कि हम उसे स्टूडियो के अंदर दो सिंगर्स को लेकर ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, जिसके बाद फाइनली हमने इसको तो ऑनलाइन लॉन्च करना है। वो खुल के बढ़ेंगे ना तो और बेहतर है। स्केल पीस एंथम के अंदर मौसीकी इसलिए भी ज़रूरी है, तब मौसीकी और शायरी का इम्तिजाज किए बगैर कोई भी तराना या कोई भी ऐसी कलेक्टिव इफेक्टिव अप्रोच नहीं हो सकती। आने वाले आग क्लियर कर, आने वाले छोड़ कर इंसानियत फितना ये कैसा हो गया, आदमी की खासियत और हुर्रियत की बात हो, फिर कबाजी छोड़ के इंसानियत की बात हो, हुरमला को छोड़ कर हुर ने भी दी बस ये सदा, हुरमला को छोड़ कर हुर ने भी दी बस ये सदा। ये शायद भाई आपने 6 मिसरे इसी एक ही पैटर्न में पढ़ने या चेंज भी करना चाहते हो बीच में? इससे थोड़ा जो है ना राग से आउट जा रहे हैं इस वाले नोट से। फलसफा फलसफा यूथ को आज भी इस चीज़ की कितनी ज़रूरत है, यानी उनका माइंड वापस इस तरफ लाया जाए, क्योंकि सोसाइटी के अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें मौजूद हैं कि अब नौजवानों को अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं यूटिलाइज करनी है वो। क्योंकि मैं खुद यूनिवर्सिटी के बैकग्राउंड से भी हूँ और उसके साथ साथ मैं मदरसा बैकग्राउंड से भी हूँ, मेरा तकरीबन तमाम मसालिक के मदारिस के अंदर आना जाना एक्सपोजर है, मेरा दोस्तियाँ हैं, तो मैंने ये देखा कि ये जो मुश्किल है सब के अंदर मौजूद है। हम उस ऑडियो के साथ साथ हम एक मंदिर में, एक चर्च के अंदर और एक गुरुद्वारे में कराची के अंदर उसको शूट करेंगे, जिसमें हमारे पास तकरीबन कराची में जितने भी डोमिनेंट मज़ाहिब हैं उसकी यूथ में से कम अज़ कम मिनिमम 1 से 2 और ज़्यादा जितने भी हो सकें उन यूथ को हम लें और उनके साथ हम एक कलेक्टिवली उसको वीडियो शूट करें। सभी पे कर कर रहे हैं एक मसीहा की
शान है, हर मजहब कहता यही है बस बड़ा इंसान है। उर्मला को छोड़ कर उड़ने दीदी बस ये सदा में पैगाम अमन व आशती देता हुआ इंसानियत का आज भी कायम है ऐसा मदरसा। शहर में पैगाम अमन व आशती देता हुआ इंसानियत का आज भी कायम है ऐसा मदरसा। मजहबी शिद्दत पसंदी हर सू फिर का वारियार, अजनबी भाई हुए और खो गई अपना यार। ऐसा लगता है यहाँ पर मर गई इंसानियत। हजरत आदम ये देखे आदमी को क्या हुआ।